आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेस और उसके टाइप्स के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो स्ट्रेस होता क्या है? देखिए, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम डिफॉर्मेशन, या फिर शेप का चेंज होना, डायमेंशन का चेंज होना। तो जो भी हम प्रेशर लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे, जो एक्सटर्नल होगी, जो कि शेप को चेंज कर दे, उसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन डिफॉर्मेशन जब होती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। रेजिस्टेंस मतलब बैकवर्ड फोर्स पैदा होती है, जो इसका अपोज करती है अप्लाइड फोर्स का। जो ये बैकवर्ड रेजिस्टेंस है बॉडी का, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। सिग्मा मीन्स रेजिस्टेंस टू द बॉडी। जो अगर हम किसी चीज़ के ऊपर ऊपर से या कहीं से एक्सटर्नल अप्लाइड लोड लगाते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, वो उसका विरोध करेगा, तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। जब ये स्ट्रेस और अप्लाइड लोड जो होता है बराबर हो जाते हैं, तो या फिर ये इंटरनल जो रेजिस्टेंस है बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, वो स्टेबल हो जाती है, वो डिफॉर्म नहीं होती। तो इसलिए स्ट्रेस का इम्पोर्टेंट रोल है मटेरियल्स के अंदर। तो स्ट्रेस आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो स्ट्रेस को हम टोटल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, टोटल, या फिर यूनिट स्ट्रेस भी हम इसको बोल सकते हैं। टोटल स्ट्रेस क्या है? टोटल स्ट्रेस है कि जो टोटल रेजिस्टेंस मिला, जो हमने एक्सटर्नल लोड लगाया था, उसको टोटल रेजिस्टेंस बॉडी ने दिया, उसको तो हम बोलते हैं टोटल स्ट्रेस। इसको हम किस में डिनोट कर सकते हैं? इसको हम डिनोट कर सकते हैं न्यूटन के अंदर, डिनोट कर सकते हैं किलो न्यूटन के अंदर, डिनोट कर सकते हैं मेगा न्यूटन के अंदर, डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम कई यूनिट्स के अंदर डिनोट कर सकते हैं। यूनिट स्ट्रेस क्या है? यूनिट स्ट्रेस के अंदर कि जो यूनिट एरिया, अगर इसका एक यूनिट एरिया जो रेजिस्टेंस दे अप्लाइड लोड को, उसको हम बोलते हैं यूनिट स्ट्रेस। जनरली हम यूनिट स्ट्रेस का ही यूज़ करते हैं, इसी का ही नाम हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं, जो यूनिट स्ट्रेस होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको इन यूनिट से डिनोट कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये यूनिट किस तरह से यहाँ पे आई हैं। तो हम जनरली शब्द का यूज़ करेंगे यूनिट स्ट्रेस। तो हमारे पास मेनली कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं? सबसे पहले तो है डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट के अंदर कौन कौन से हैं? डायरेक्ट के अंदर स्ट्रेस है कि अगर कोई बॉडी है, अगर हम उसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचें, तो उसको बोलते हैं टेंशन। तो ये भी एक स्ट्रेस है कि दोनों तरफ से पकड़ के किसी बॉडी को खींचें, उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो और इसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो, जो कि इसका रेजिस्ट करे। जैसे इस तरफ खींच रही है तो इसको रेजिस्ट करे, इस तरफ लगे, इस तरफ फोर्स लगी है तो ये रेजिस्टेंस इस तरफ होगा, इस तरफ फोर्स लगी है तो बॉडी का रेजिस्टेंस इस तरफ होगा। तो टेंशन के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, तो इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर लेते हैं। दूसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ से बॉडी को कंप्रेस करें तो क्या होगा, इसके अंदर जो जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो फोर्स पैदा होंगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगी, जिसको खींचने की कोशिश करेंगे बाहर की तरफ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हम इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, जब हम इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएं किसी बॉडी के ऊपर, इस तरह से इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगे दोनों फेसेस के ऊपर किसी ब्लॉक के, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो होगी शीयर स्ट्रेस।
उसके बाद आता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस कौन सी होती हैं? इनडायरेक्ट स्ट्रेस होती हैं जो डायरेक्ट नहीं होती। जैसे हमने इसको खींचा और इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो गई, इसको कंप्रेशन किया तो स्ट्रेस पैदा हो गई, या शीयर फोर्स लगाई तो स्ट्रेस पैदा हो गई। ये इनडायरेक्ट स्ट्रेस इनडायरेक्टली पैदा होती हैं, जैसे बेंडिंग में। अगर हम किसी चीज़ को बेंड करें तो जो स्ट्रेस पैदा होंगी उसको हम इनडायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे अगर हम इस तरफ फोर्स लगाएंगे बेंडिंग की, तो ये इस तरफ इसको होने से रोकेगी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्ट्रेस पैदा होती हैं। और उसके बाद आती है टोर्जन स्ट्रेस, टोर्जनल। टोर्जन के अंदर क्या है कि अगर हम किसी रोड को दोनों एंड से फिक्स करें और इसको रोटेट करें एक तरफ से, तो क्या होगा, इस रोटेशन को अगर रेजिस्टेंस दे बॉडी, तो उसको टोर्जनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से काफ़ी तरह की स्ट्रेसेस हैं जो कि स्ट्रेस के अंदर आती हैं। और जो सिग्मा, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, जिसका फॉर्मूला बनता है पी बाय ए। पी क्या है, अप्लाइड लोड, जो कि हम अप्लाइड करेंगे बॉडी के ऊपर, जो कि हम डिफॉर्मेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और कितने एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये उसका फॉर्मूला बनता है। तो लोड बाय एरिया, लेकिन इसको हम लोड नहीं बोलते, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली बोलेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया मीन्स, इसको आप डिनोट कर सकते हैं यूनिट में न्यूटन, एरिया को एमएम स्क्वेयर, या किलो न्यूटन बाय मीटर स्क्वेयर, या फिर मेगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वेयर। तो ये यूनिट्स स्ट्रेस की बनती हैं, जो हमारी यूनिट स्ट्रेस की यूनिट्स हैं। तो ये था स्ट्रेस और उसके कुछ टाइप्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।